हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को देसी अपटन बनाने की बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे सरसों ले लिया है, जिसको कि सबसे पहले हमने वाटर से इसको धो लिए, धूप में सुखा दिए हैं, देखिए, ताकि इसमें का जो भी गंदगी हो वो सारे निकल जाए, बिल्कुल फ्रेश हैं, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक देखिए बांगन को हम रख देंगे, गैस को चला दिए। अब हम इसमें राई को डाल देंगे। आप चाहे तो, मैं पीली वाली ली है, आप चाहे तो काला वाली भी ले सकते हैं, काली वाली कोई सा भी ले सकते हैं। अब थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे, जब तक इसमें से चट-चट की आवाज़ ना आए तब तक हम भूनेंगे। देखिए ऐसे आपने इसको चलाते चलाते भूनना, जब तक इसमें से आवाज़ ना आए, आवाज़ कर दिए हैं चट-चट के, तो फिर गैस को बंद कर लेना है। अभी थोड़ी देर और पका लेती हूँ मैं इनका। इस फेस पैक को लगाने से सारा गंदगी निकल जाती है और चेहरे बहुत ग्लो भी आता है। देखिए कैसे इसमें से आवाज़ें आ रही हैं चट चट की, आपको सुनाई भी दे रही होगी। तो अब ये हो गया है, मैं गैस को फ्लेम कर देती हूँ। हमने देखिए अच्छी तरह से हो चुकी है, हमने इसको ग्राइंडर कर लेना है। मैं ना थोड़ी सी ठंडा करके 5 मिनट के लिए फिर ग्राइंडर करती हूँ। अब हम इसको पीस देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने मिक्सी का जार ले लिया है, तो आप चाहे तो छोटा वाला ले सकते हैं, मेरा छोटा वाला ख़राब हो गया है ना, इसलिए हमने बड़ा वाला ही ले रहे हैं। तो इसमें हम डाल रही हूँ, देखिए इस तरीके से डाल देना है और इसको मैं ग्राइंडर कर देती हूँ। बटन ऑन कर दिया मैंने। देखिए आप यहाँ पे हो गया, देख सकते हैं आप। अब इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी बॉल में, पूरे स्टोर करके 1 हफ्ते 1 महीने के लिए रख सकते हैं। तो ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, इतना ही रखनी है। देखिए हमने एक डब्बे में भर के रख लिया, पूरे 1 हफ्ते या महीने दिन की आप इसे सप्लाई करते। मैंने एक यहाँ पे कटोरी लिया, देखिए इसमें आपको जितना रिकॉर्डिंग चाहिए उतना डाल सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना जैसे आपको ज़रूरत हो। तो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो 1 चम्मच हमने लिया बेसन, 1 चम्मच हमने ले लिया ना ये सरसों का पाउडर जो है, और इसमें आप चाहे तो थोड़ी सी बेसन भी डाल सकते हैं या गुलाब जल डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो और इसमें ना थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, हल्दी डालने से ना चेहरा पे और निखार आता है, ग्लो ज़्यादा आता है, इसलिए हमने देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं डाला, नहीं तो पीला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए आपको दिखा रहे 1/2 चम्मच यहाँ पे हल्दी हम डाल देते हैं, आप देख ही सकते हैं। और इसमें आप रोज़ भी डाल सकते हैं, रोज़ वाटर और जो कुछ भी जैसे आप डालना चाहे डाल सकते हैं। तो सिंपल तरीके से मैंने बस सरसों का ही बता रही हूँ। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी डालकर इसको फेंटते हैं। देखिए हम यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, तो हल्का ही कहीं पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, जैसे कि सब फेटा जाओ अच्छे तरीके से। देखिए ये हो गया ना, अब इसको हम ना 10-15 मिनट के लिए अच्छे तरह से, मैं 10-15 मिनट के इनको हम छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए, फिर हम अप्लाई करके बताते हैं आपको। देखिए हम आप लोग को अप्लाई करके दिखाते हैं, इधर अपने हैंड के ऊपर, देखिए ऐसे ऐसे कर लेना है आपको। देखिए तो मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब इसको ऐसे मलते रहना है 10-15 मिनट तक, मालिश ऐसे करना है सारा रगड़ते रगड़ते। देखिए अब हम इसको ना ऐसे छुड़ा लेंगे, जैसे निकाल लेंगे सारा सरसों निकल जाएगी, अब ग्लो इतना आ जाएगा। आप इस हाथ को मेरा देख लीजिए, यहीं पे इसका देख लीजिए कैसे निखार आ रहा है। अभी धोकर आपको दिखाते हैं पानी से वॉश करके कितना निखार आएगा, देखना। अभी भी हटा रहे हैं तो देखिए इसमें दोनों मिलाइए किसका निखार आ रहा है, मिलाइए, देख रहे हैं नहीं कितना निखार आ रहा है।